हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट्स टॉक अबाउट ट्रू फैक्ट्स में। नाखून हमारे शरीर का बहुत छोटा मगर महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनके बारे में कई ऐसी बातें हैं जो हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। ये फैक्ट्स इनकी संरचना, आकार प्रकार के साथ ही इसकी ग्रोथ से जुड़े हुए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उंगलियों के नाखून हर महीने लगभग 3.5 मिलीमीटर तक बढ़ते हैं, वहीं हाथ की तुलना में पैरों के नाखून जल्दी बढ़ते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर नाखून जब निर्जीव हैं, तो ये बड़े कैसे होते हैं? हमारे नाखूनों का बनना वैसे तो माँ के गर्भ में 20वें हफ्ते में ही आकर शुरू हो जाता है और उसके बाद ये हमारे साथ उम्र के आखिरी पड़ाव तक रहता है। जन्म के बाद एक इंसान नाखूनों को काटने, उनकी देखभाल करने और यहाँ तक कि उन्हें रंगने तक के काम में अपने सैकड़ों घंटे लगा देता है। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम ही है जो अपने नाखूनों से जुड़े वैज्ञानिक पहलुओं को जानते हैं। आज की वीडियो में आप आज वो सब जान पाएंगे जो आपको अपने नाखूनों के बारे में पता होना चाहिए। आप जानते ही होंगे कि हमारी पूरी बॉडी छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी है। ये सभी सेल्स अपने आप में जिंदा हैं और इसी तरह के सेल्स से हमारे नाखून और बाल बनते हैं। नाखून के ये सेल्स एक सख्त लेकिन बेजान पदार्थ के बने होते हैं, जिसे केराटीन कहा जाता है। हालांकि बेजान होने के बावजूद भी इन सेल्स की शुरुआत एक जिंदा सेल्स के रूप में ही होती है। जिस तरह से हमारे बाल अपनी जड़ों में फोलिकल में पैदा होते हैं, उसी तरह से नाखून भी इनकी जड़ों में मौजूद मैट्रिक्स नाम की जगह में जन्म लेते हैं। मैट्रिक्स एक खास तरह के एपिथेलियल सेल से बने होते हैं। इनकी खासियत होती है कि जब तक इन्हें पोषण मिलता रहता है, ये लगातार अपने आकार को बढ़ाते रहते हैं, यानी लगातार उगते रहते हैं। अब एक समय ऐसा आता है कि मैट्रिक्स में पैदा होने वाले नए सेल्स के लिए जगह नहीं बचती। ऐसे में पुराने सेल्स को आगे धकेल दिया जाता है और नए सेल्स पुराने सेल्स की जगह ले लेते हैं। धकेले हुए पुराने सेल्स हमारी उंगलियों के छोरों से बाहर निकल आते हैं और हमारे नाखूनों का रूप ले लेते हैं। जैसे जैसे नाखूनों का आकार बढ़ता है, ये मैट्रिक्स से दूर होने लगते हैं और इन्हें पोषण मिलना बंद हो जाता है। इसके बाद ये पहले से ज्यादा सख्त और बेजान हो जाते हैं। ठीक यही प्रोसेस हमारे बालों के साथ भी होती है। इनके इस तरह से बढ़ने की रफ्तार थोड़ी धीमी होती है। हमारे हाथों के नाखून महीने भर में लगभग 3 मिलीमीटर तक बढ़ते हैं, जबकि पैरों के नाखून 1 मिलीमीटर तक ही बढ़ पाते हैं। नाखूनों का उपयोग हम दैनिक जीवन में कई तरह से करते हैं, लेकिन सुदूर अतीत में इनका वजूद में आना क्या केवल खुजलाने तक ही सीमित रहा होगा? नाखून आखिर हमें क्यों मिले? ये जानने के लिए हमें अपने करोड़ों साल पुराने पूर्वजों के इतिहास को जानना होगा। इंसानों के नजदीकी पूर्वज, जिन्हें प्राइमेट्स भी कहा जाता है, वे आज से करीबन 8 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आए थे और उनकी उंगलियों पर उगे नाखून के सबसे पहले निशान तकरीबन 5 करोड़ साल पुराने हैं। यानी इंसानों के पूर्वजों में नाखूनों की शुरुआत 5 करोड़ साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन इस समय में ये प्राइमेट्स हमारी तरह जमीन पर चलने वाले प्राणी नहीं थे, बल्कि इनका सीधा ताल्लुक पेड़ों से था। ये पेड़ों पर रहने वाले प्राणी थे। हमारे पूर्वज प्राइमेट्स पेड़ों पर चढ़ने और छलांगे लगाने में माहिर थे और इनके इसी काम को आसान बनाने के लिए उंगलियों पर उगे ये नाखून इनके लिए वरदान साबित हुए। अगर आपने एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि जिंदा प्राणी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने माहौल के हिसाब से अपने शरीर में बदलाव करते चले जाते हैं। जो बदलाव इनके जीवन को आसान और सुरक्षित बनाते हैं, वे इनकी प्रजातियों के द्वारा अपने आने वाली नस्लों में जीन्स के जरिए ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ठीक इसी तरह पेड़ों पर बसने वाले हमारे पूर्वज प्राइमेट्स की उंगलियों पर जब ये नाखून विकसित हुए होंगे, तो उन्हें अपने दैनिक जीवन में इनसे सहायता मिली होगी। यहाँ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्राइमेट्स हमारी तरह अपने नाखूनों को
नेल कटर से नहीं काटते थे, बल्कि उनकी उंगलियों पर नाखूनों की लंबाई काफी ज्यादा रहती थी और अपनी उंगलियों के छोरों पर नाखूनों के किनारे पेड़ों पर चढ़ने, फल और दूसरे भोजन को छिलने और शरीर पर बैठे परजीवियों को खुरचकर दूर भगाने जैसे कामों में प्राइमेट्स के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित हुए। तभी से एवोल्यूशन के द्वारा दिए गए इस बेहतरीन तोहफे को एक गुण के रूप में हमारे पूर्वजों ने अपने जीन्स में ग्रहण कर लिया, जो आज भी हमारे साथ मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी नाखून से जुड़ी पूरी जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। ऐसे ही नए फैक्ट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और जुड़े रहें लेट्स टॉक अबाउट ट्रू फैक्ट्स के साथ।